ये है लाटू देवता का मंदिर। इस मंदिर में गर्भगृह है और उस गर्भगृह में क्या है उसको कोई नहीं जानता, ये सबसे बड़ा रहस्य है। इस समय हम वाणगांव में हैं। वाणगांव जो है उत्तराखंड के चमोली में पड़ता है। और ये जो पेड़ है, इन पेड़ों के पीछे लाटू देवता का वह मंदिर है। इन पेड़ों को सुरई के पेड़ कहा जाता है, सुरई के पेड़ है, देवदार से हल्का फुल्का मिलते जुलते हैं ये। और इनके पीछे जो है लाटू देवता का मंदिर है। लाटू जो यहाँ के जो है ग्राम देवता है एक तरह से, लेकिन इसकी मान्यता इस पूरी रूपकुंड वैली के साथ ही, आप अल्मोड़ा में जाएंगे तो कुमाऊं में तो वहाँ भी इसकी मान्यता है और वहाँ भी इसको माना जाता है। नंदा जिनको पार्वती कहा जाता है यहाँ पर, उनको स्थानीय उनका जो नाम है नंदा या गौरा कहा जाता है, तो उनके धर्म भाई उनको कहा जाता है लाटू को। और इस लाटू की इतनी मान्यता है यहाँ पर कि लोग उसको न्याय का देवता मानते हैं और कुछ भी फैसला जब होता है तो लाटू के मंदिर में जाते हैं। यार मंदिर में है क्या, तो उनको भी इस मंदिर के बारे में कुछ नहीं पता है। इसमें गर्भगृह है और वो सिर्फ बैसाख की जो पूर्णिमा होती है उसमें ये गर्भगृह जो है मंदिर के जो पुजारी हैं वो खोलते हैं और उसमें उनकी आँख पर पट्टी बंधी होती है, उनके मुंह पर पट्टी बंधी होती है। पूजा अर्चना के बीच ये जो है कपाट खोले जाते हैं। इस लाटू देवता के मंदिर के बारे में तमाम तरह के रहस्य हैं। यहाँ कोई शेषनाग है, मणि है, तो मैंने जो स्थानीय लोग हैं उनसे बातचीत की तो उन्होंने इस बात को खारिज किया। उन्होंने कहा ये सब चीज़ें नहीं हैं, लेकिन ये है कि कुछ ना कुछ इस गर्भगृह में है, एक चमत्कारिक शक्ति है और वो उस पर बहुत यकीन करते हैं।